पर आदमी लुगाई लड़ ले और माथा पड़ोसी का फूट जाए उसको घर का झगड़ा थोड़ी कहते हैं। बेलन पड़ोसी के सिर पे जाके लग जाए तो घर का झगड़ा तो वो होता है जिसकी आवाज पड़ोस में नहीं आती। लेकिन इन्होंने तो 5 साल में ऐसा झगड़ा किया, दो दो मुख्यमंत्रियों के नारे लगे, मंत्रिमंडल पर लड़े, फिर कमरों पर लड़े, फिर 52 दिन बाड़े में बंद रहे। ये तो पता ही आपको, दुनिया की अकेली सरकार अशोक गहलोत की जो 52 दिन बाड़े में बंद रही। आप 52 दिन तो एक जगह भैंस को भी बंद नहीं कर सकते। उन्होंने अशोक गहलोत जी को चिट्ठी लिखी, कांग्रेस के विधायक ने अशोक गहलोत जी को चिट्ठी लिखी और वो चिट्ठी पढ़ के सुना रहा हूं, 1 मिनट की चिट्ठी है। भरत सिंह जी लिखते हैं, महोदय मुख्यमंत्री को लिख रहे हैं, कोटा में रिवर फ्रंट के उद्घाटन पर आपको मेरी बधाई। आपका कोटा में स्वागत करने के स्थान पर मैंने निवास सांगोद विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ गृह मंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाने की घोषणा करी है। मेरी बात को गौर करना, कांग्रेस का विधायक मुख्यमंत्री को कहता है कि मैंने आपके स्वागत। नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अबरार उल हक रहमान। दर्शकों, राजस्थान में इस समय कई मुद्दों को लेकर के सियासत जारी है, लेकिन वहां पर जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने अपने केंद्र के चेहरों को उतार रखा है और 2023 के आखिर में होने वाले विधानसभा को लेकर, चुनाव को लेकर जो भाजपा की रणनीति है वो कांग्रेस के लिए परेशान करने वाली है। भले ही कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही होगी कि पार्टी के भीतर सब कुछ जो है नॉर्मल है, सामान्य स्थिति में, लेकिन ये नज़र दूर दूर तक नहीं आता, क्योंकि पार्टी के भीतर कई बार कई मुद्दों को लेकर के नेताओं के अलग अलग बयान हम आए दिन सुनते रहते हैं। और ये एक बड़ी कमी, एक बड़ा कारण जो है राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए बन सकता है। इसी बात को लेकर के वहाँ पर जिस ढंग से भाजपा की तरफ से दावे किए जा रहे वो एक बार आप जरूर सुनिए। भ्रष्टाचार, बदहाली, कानून व्यवस्था की, माताओं बहनों का अपमान, दलितों वंचितों पिछड़ों के लिए जिस तरीके से इस सरकार ने उन पर अत्याचार किए, मुझे लगता है कि ये वो समय है जब उस सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया। रामनवमी पर प्रतिबंध लगाती है, हिंदू नववर्ष के जुलूस पर प्रतिबंध लगाती है। मेरा आपसे प्रार्थना है, आप इतनी बड़ी संख्या में आए, 20 मिनट चलेगी, मेरे घर मेहरबानी रखिए, कोई भी अपनी सीट नहीं छोड़ेगा। और जो बाहर गए हैं बुजुर्ग, उनसे भी प्रार्थना है कि वापिस आके बैठे। भारत माता की। बीबी रानी की सीट नहीं छोड़नी, अपन तो सीट छुड़वाने के लिए आए अशोक गहलोत की। मैं आप सब लोगों से आग्रह कर रहा था कि एक ऐसी सरकार जिस सरकार का ईमान खराब हो गया हो, और इस ईमान खराब कैसे होता है मैं नहीं कह रहा, न मेरा आरोप है। कांग्रेस पार्टी के एक बहुत वरिष्ठ विधायक हैं जिनका नाम भरत सिंह कुंदनपुर है, आपने तो नहीं सुना होगा, कोटा साइड के हैं। यदि मैं कुछ कहता तो वो कहते आरोप लगा रहे हैं। पिछले 5 साल से कांग्रेस पार्टी के लोगों ने पूरा वक्त झगड़े में बिता दिया। ये जरूर कहते हैं कि ये घर का झगड़ा है, पर आदमी लुगाई लड़ ले और माथा पड़ोसी का फूट जाए उसको घर का झगड़ा थोड़ी कहते हैं। बेलन पड़ोसी के सिर पे जाके लग जाए तो घर का झगड़ा तो वो होता है जिसकी आवाज पड़ोस में नहीं आती। लेकिन इन्होंने तो 5 साल में ऐसा झगड़ा किया, दो दो मुख्यमंत्रियों के नारे लगे, मंत्रिमंडल पर लड़े, फिर कमरों पर लड़े, फिर 52 दिन बाड़े में बंद रहे। ये तो पता ही आपको, दुनिया की अकेली सरकार अशोक गहलोत की जो 52 दिन बाड़े में बंद रही। आप 52 दिन तो एक जगह भैंस को भी बंद नहीं कर सकते। उसके बाद इस्तीफों का दौर चला, दुनिया के इतिहास में रिकॉर्ड भी कांग्रेस पार्टी ने बनाया कि 80-80 विधायकों के इस्तीफे हुए। अब यदि यही घर का झगड़ा है
लेकिन इस घर के झगड़े का नतीजा ये था कि यहाँ की कानून व्यवस्था खराब हुई, नौजवानों के साथ ठगी हुई, पेपर लीक हुआ जिसका जिक्र हुआ। लेकिन मैं वो जो हमारे पूर्व मंत्री और कांग्रेस के मौजूदा विधायक हैं, उनका नाम है भरत सिंह, उन्होंने अशोक गहलोत जी को चिट्ठी लिखी, कांग्रेस के विधायक ने अशोक गहलोत जी को चिट्ठी लिखी और वो चिट्ठी पढ़ के सुना रहा हूं, एक मिनट की चिट्ठी है। भरत सिंह जी लिखते हैं, महोदय, मुख्यमंत्री को लिख रहे हैं, कोटा में रिवर फ्रंट के उद्घाटन पर आपको मेरी बधाई, आपका कोटा में स्वागत करने के स्थान पर मैंने निवास सांगोद विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ गृह मंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाने की घोषणा करी है। मेरी बात को गौर करना, कांग्रेस का विधायक मुख्यमंत्री को कहता है कि मैंने आपके स्वागत की बजाय गृह मंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाने की घोषणा करी है, ताजा चिट्ठी है ये। उसमें उन्होंने लिखा है कि भाया के भ्रष्टाचार, भाया कांग्रेस पार्टी का खान मंत्री है, उसके बारे में लिखा कि भाया के भ्रष्टाचार को आप द्वारा प्रदान किया गया खुला समर्थन तथा कोटा जिले में शामिल नहीं करने पर उस आपके संकल्प पर मैं खेद प्रकट करता हूं। जो आखिरी लाइन है वो सुनने लायक है, गांधीवादी अशोक गहलोत जी, आपको यह शोभा नहीं देता, आपका ईमान मर चुका है। कौन लिख रहा है ये, कौन लिख रहा है? कांग्रेस का विधायक पूर्व मंत्री अशोक गहलोत को लिखता है कि आपका ईमान मर चुका है, आपके ईमान के मरने पर, अब आगे की लाइन सुनना, आपके ईमान के मरने पर मैं मुंडन करवाकर अपने बाल आपको भेंट करना चाहता हूं। बताओ मुंडन क्यों करवाते हैं, मुंडन क्यों करवाते हैं? या तो बहुत ज्यादा गर्मी लगे जो टाट गंजी करा लेते हैं, और या फिर अपने गमी हो जाए, कोई दादा बाबा चला जाए। तो मुझे लग रहा है कि जब कांग्रेस का विधायक मुंडन कराने के लिए तैयार है, इसका मतलब कांग्रेस पार्टी का तिया पाचा होने के लिए भी तैयार है। वो लिखते हैं कि कृपया तुच्छ भेंट स्वीकार करें, बाढ़ उतार कर गंजे होके और भेंट कर रहा अशोक गहलोत जी को, ये तुच्छ भेंट स्वीकार करें और महात्मा गांधी को याद करके उनके बताए गए 7 पाप पर चिंतन करें, मुख्यमंत्री का पद स्थायी नहीं है। ये लिखा है भवदीय भरत सिंह कुंदनपुर, माननीय अशोक गहलोत। अब आप समझ सकते हो कि कांग्रेस पार्टी का एक मौजूदा विधायक यदि सरकार के खिलाफ ऐसा लिखता है, हम यदि यहां से कुछ कहते तो ये कहते जी ये तो बीजेपी वाले आरोप लगाते हैं, लेकिन आरोप सही है। आपने कभी थाने में थानेदार की गाड़ी के टायर चोरी होते सुना है क्या? चोर आए, थानेदार की गाड़ी खड़ी थी और उसके टायर उतार के ले गए, ये सत्य घटना है, आरोप नहीं है। जयपुर के विद्याधर नगर थाने की 3 साल पुरानी घटना है। आपने कभी सुना है कि अस्पताल में चूहा आए और मरीज के पैर कुतर जाए, सुना है क्या? ये नहीं सुना तो बता दे रहा हूं, अशोक गहलोत के जोधपुर की घटना है। नया बच्चा, नवजात बच्चा पैदा हो और अस्पताल में कुत्ते उसको नोच के खा जाएं, सुनिए ऐसी घटना। ये घटना जयपुर के सांगानेर गेट अस्पताल की है। आपने कभी सुना है कोई भूख से रोटी मांगे और उसकी इज्जत ले ली जाए, ऐसी शर्मनाक घटना अशोक गहलोत की नाक के नीचे जयपुर में होती है। आपने कभी सुना कोई बालिक को, 14 साल की बालिक को दुष्कर्म करके और जिंदा उसको भट्टी में डाल दिया जाए, ऐसी घटना भीलवाड़ा की कोटड़ी में होती है। आपने कभी सुना कि कर्जे के कारण तंग आके किसी ने आत्महत्या कर ली हो, गंगानगर के, रायसिंह नगर के ठाकरी गांव के सोनलाल कडेला ने इस मोबाइल पर अपना एक वीडियो जारी किया कि मैं कर्जे से तंग आकर अपनी आत्महत्या कर रहा हूं और मेरी आत्महत्या का, मौत का जिम्मेवार कोई है? अशोक गहलोत है। आपके बच्चे आप पेट काटकर कोचिंग के लिए भेजते हो, परीक्षा के लिए जाता है, पता लगता है पेपर लीक हो गया। हनुमानगढ़ के कन्हैया लाल ने अपने बाप को पत्र लिखा कि सॉरी पापा, मैं आपके सपने पूरे नहीं कर पाया। ये राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार में घटित होने वाली घटना है। ऐसी कितनी घटनाएं, आप में से बहुत गरीब लोग होंगे, उनका पोता बेटा पार्ले जी का बिस्किट के लिए मचलता होगा,
लेकिन अशोक गहलोत के वैभव को सचिवालय में सोने के बिस्किट मिलते हैं, आज तक पता नहीं लगा कि वो किसके थे, और सामान्य नहीं करोड़ों रुपए के बिस्किट। ये भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। 11 लाख मुकदमे दर्ज हुए सरकार आने के बाद में। आप अभी गर्मी मर रहे हो, थोड़ी देर में लाइट चली जाएगी तो आपको पता लग जाएगा यहाँ राजस्थान में और भी सरकारें रही हैं भैरव। तो आपने सुना दर्शकों, दरअसल ये जो खबरें हैं वो दर्शाती है कि प्रदेश की जो स्थिति है, कांग्रेस प्रदेश की जो स्थिति है वो किस बुरे दौर से गुजर रही है, और अशोक गहलोत के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनवाना कितना मुश्किल नजर आ रहा है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।